Oh.
हे आत्मा, चेतो, अपने अंतर की ओर उपयोग करो आत्मा। अपनी दृष्टि को अंतर की ओर मोड़ो। ये संयोग भाव, ये पुद्गल पदार्थ, ये सब अपना रूप नहीं चेतन। राग द्वेष मोह अपनत्व कर्तृत्व, ये सब आत्मा की परिणतियां नहीं है। ये सब आत्मा का स्वरूप नहीं चेतन आत्मा। तुम चैतन्यमय आत्मा, तुम चैतन्य में आत्मा हो। चैतन्य तुम्हारा स्वभाव चैतन्य है। तुम चैतन्य आनंद घन पिंड हो आत्मा। अपने स्वभाव में रहो, अपने ध्रुव स्वभाव में रहो आत्मा, ध्रुव स्वभाव में रहो। अपने ज्ञानानंद में स्वभाव में रहो। पलटो अपनी दृष्टि इस जगत के अज्ञान अंधकार से। इस जगत में जितना भी मोह का आवरण, जितना भी अज्ञान का आवरण, इस मोह आवरण और अज्ञान आवरण से अपनी दृष्टि पलटो चेतनात्मा। तुम रूपी पदार्थ नहीं हो। ये दिखने वाले पुद्गल पदार्थ, ये अपना रूप नहीं चेतन। अपन तो ज्ञायक आत्मा है। देखो ना, अनंत अनंत शक्तियां इन कमल भाव में अपने अंतर में विद्यमान। चाहे वे गुप्त कमल हो, चाहे वे नाभि कमल हो चेतनात्मा, इन कमलों पे अपने अपने अर्क स्वभाव का, अपने अपने प्रकाशवान स्वभाव स्वयं प्रकाशित हो रहा चेतन। अपनी अपनी ऊर्जा प्रकाशित हो रही है। तुम देखो चेतन आत्मा, दोनों गुप्तांगों के बीचों बीच गुप्त कमल, ये अपने शुद्ध शुद्ध परिणति में है। आत्मा चैतन्य घन स्वरूप है। चैतन्य घन स्वरूप आत्मा है चैतन्य। देखो देखो देखो, चैतन्य घन स्वरूप आत्मा जिसमें अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश, सहज प्रकाशित होता हुआ, कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, ये अपने ही प्रकाश स्वरूप है चेतन। ये आत्मा की ही स्वामी बिलसने वाली परिणतियां, आत्मा स्वचेतन विलासी।
स्वयं ज्ञान विज्ञान में आचरण करने वाला है चेतन। ज्ञायक में आत्मा का स्वभाव, ज्ञायक में आत्मा की शक्ति, अपने आत्म स्वरूप को देखो अंतर। अवलंबन लेने के लिए अपना ध्रुव स्वभाव ही श्रेष्ठ चेतन आत्मा। अवलंबन लेने के लिए ये कमल, गुप्त कमल के ये अर्क ही श्रेष्ठ है, कर्ण से अर्क परम पारणामिक भाव को झलकाता है। हंस से अर्क पर द्रव से भिन्न निराकार चेतन शक्ति को स्पष्ट झलकाता है चेतन। अपने में ही देखो ना ऐसे पूर्ण प्रकाश। हे आत्मज्ञ, हे ज्ञानी, निरंतर अभ्यास करो, अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा का, शुद्ध चैतन्य में आत्मा का निरंतर अभ्यास करो चेतन। पुरुषार्थ से ही मुक्ति मिलेगी। देखो ना चेतन आत्मा सुवन सियर स्वयं पुरुषार्थ को झलकाता है। अव्यास सियर कहता है कि स्वयं में स्थिर रहो आत्मा। आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। अपने निज आत्मा में ठहरो चेतन। कहाँ संसार की यात्रा कर रहे हो? अपना उपयोग अपनी अंतरोन्मुख शक्ति, अपने स्वभाव की ओर लगा। ज्ञान आवरण, मोह आवरण, इन आवरण को त्याग दो चेतन आत्मा, और अपना उपयोग अपने ज्ञायक तत्व की ओर लेके चलो। अपना उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव की ओर लेके चलो। मैं ज्ञाता हूं और दृष्टा हूं, बस जानने और देखने वाला। ऐसे अंतर स्वभाव की रुचि लगा। मैं तो मात्र जानने और देखने वाला, मैं तो मात्र ज्ञाता और दृष्टा, मेरा किसी पर पर्याय पर परिणाम से कोई संबंध नहीं। मेरा किसी पर्याय और परिणाम से कोई संबंध नहीं। मैं मात्र चैतन्य तत्त्वात्मा, मैं मात्र चैतन्य तत्त्वात्मा, मैं मात्र चैतन्य तत्त्वात्मा, मात्र चैतन्य तत्व आत्मा। रम जाओ रे आत्मा। अपने ज्ञान घन स्वभाव में रमो। ये रूपी पदार्थ दिखने वाला आंखों से, सुनाई देने वाला है कानों से, सब क्षणभंगुर है, विनाशक है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है चेतन, ये आत्मशक्ति नहीं है, ये आत्मा का रूप नहीं है, पर पुद्गल पर्याय प्रणव। आत्मा का रूप ध्रुव त्रिकाली है, ध्रुव त्रिकाली।
ज्ञान धन स्वरूप वाला है, आत्मा का रूप शाश्वत है चेतन। इन नश्वर पर पर्याय से परे आत्मा के ज्ञाता स्वभाव को देखो और ये देखो समस्त प्रकाश में परिणतियां, संपूर्ण अर्क में अपना स्वभाव। एकमात्र ध्रुव शक्ति को ही प्रकाशित कर रहा है। ध्रुव आत्मा का प्रकाश ही चारों तरफ हो रहा है चेतन। देख स्वयं में प्रकाशित इस आत्म शक्ति को, देख स्वयं में प्रकाशित इस विधराग स्वभाव को। ना हिंसा को देखो ना झूठ को देखो चेतन। पाप परिग्रह से अपनी दृष्टि पलट लो और अपने निराकार चेतन में जो अपना आत्मा है, ओ भोले आत्मन, आत्म चिंतन कर चेतन, तत्व चिंतन कर, तत्व विचार कर और आत्म चिंतन करते हुए, तत्व विचार करते हुए अपनी दृष्टि को पलट ले। पलट ले है ज्ञानी, अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख कर ले। अंतरोन्मुख दृष्टि से ही कल्याण होगा चेतन आत्मा। अंतरोन्मुख दृष्टि से ही आत्मा का हित होगा। स्वयं ही धीरे धीरे सारे संस्कार टूटेंगे, अज्ञान आवरण, चक्षु आवरण, ये सारे आवरण बिलाएंगे चेतन आत्मा। निद्रा आदि कर्मों पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मोहिनी कर्म का अभाव होगा, वैसे वैसे दर्शन का आवरण टलेगा चेतन। आत्मचिंतन करो चेतन आत्मा, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन ही साधना है। आत्मचिंतन करते करते उस चैतन्य में प्रकाश जो अपने अंतर में ज्योति है, उस ज्योति को पहचान लो। वह ज्योति ही अपना परम प्रकाश है आत्मा। इससे ही मोहिनी कर्म का आवरण टलेगा, इस मोहिनी कर्म पे विजय प्राप्त कर सकता है तो एक आत्मा। इस मन को कोई जीत सकता है तो वह अपना चैतन्य में आत्मा। ये मन, वो मन की सारी चेष्टाएं, इन सब पे कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो वो है अपना ज्ञायक स्वभाव आत्मा, अपना ज्ञान स्वभाव ही आत्मा चेतन, अपना ज्ञान स्वभाव ही आत्मा, अपने अंतर आत्मा पे विजय प्राप्त करो चेतन। अपने अंतर आत्मा पे विजय प्राप्त करो चेतन आत्मा। अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव पे विजय प्राप्त करो। बाकी पर पर्याय सारे विकल्प अनित्य है, अनित्य। ये दिखने वाली सारी पर पर्याय सब क्षणभंगुर है। ओ मैं
मैं आत्मा इस क्षणभंगुर जगत से परे, मैं आत्मा इस लौकिक जगत से परे, ज्ञान स्वभावी आत्मा। अरे जगत की क्षणभंगुरता का विचार तो करो चेतन, तुम देखो तो ये जगत क्षणभंगुर है और आत्मा में विद्यमान इसकी कमल भाव में शक्ति जयवंत है, शाश्वत है। ये अपनी चैतन्य में विलसती परिणतियां, ये अपनी आनंद में विलसती परिणतियां, ये जयवंत है चेतन आत्मा। अपने अंतर में जो नाभि कमल है उस पर से दीप्ति सुदीप्ति में अर्क है, अपनी अंतर आत्मदीप्तमान ज्योति को प्रकाशित करने वाले अर्क, अपना अनंत गुणों का पिंड झलकाने वाली अपनी चैतन्य शक्ति, अपने परम पुरुषार्थ को उजागर करने वाले अपने स्वयं के भाव आत्मा, आत्मा का स्वभाव, आत्मा की स्वशक्ति, चैतन्य शक्ति पे ध्यान दो चेतन। ऐसे इष्ट परिणामों का उत्पन्न होना, शुद्ध भाव की अनुबोधना करना चेतन आत्मा, आत्मचिंतन से आत्ममनन से ऐसे शुद्ध भाव की अनुबोधना होना, इसका नाम ही मुक्ति का मार्ग चेतन आत्मा। और शुद्धात्म तत्व की गहरी भावना के साथ ही धर्म ध्यान प्रारंभ हो सकता है। आत्मा का सहज स्वभाव है क्या है, हो चेतन, आत्मा का सहज स्वभाव है क्या है, दीप्ति सुदीप्ति में अर्थात प्रकाश से परम प्रकाश में, आत्मज्योति आत्मज्योति, आत्मा का स्वभाव ही गाया के चेतन। ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, अपने निच की ओर देखो आत्मान, देखो ये चैतन्य ज्योति जगमगा रही, अपने मन के विचारों को स्थिर करो चेतन आत्मा, मन के विचारों को जीत लो मन के विचारों को, जीत लो इन मन के अशुभ विचारों का चेतन आत्मा, राग को देश को मोह को अपनत्व को कर्तृत्व को, इन सारे विकारों को जीत लो चेतन। और इन्हें जीतने का एक ही मार्ग है आत्मा, इन विकारों पे विजय प्राप्त करने का एक ही मार्ग, वह है अपने निर्विकार चेतन में स्वभाव का ध्यान। निशंक रहो, निशंक देखो तुम्हारे नाभि कमल पे अभय से अर्क की ज्योति है चेतन, अभय आत्मा, यह आत्मा अभय है, इस आत्मा में किसी प्रकार का भय नहीं है चेतन, न जन्म है न मरण है, न रोग है न शोक है,
ना कोई पीड़ा है चेतन आत्मा, ये आत्मा अभय है, अभय। ना इसमें शल्य है, ना इसमें शंका है। यह आत्मा शल्य और शंकाओं से परे है चेतन, इसमें चिंताएं और आतुरताएं नहीं है। यह आत्मा चिंता और आतुरता से परे है। होश में आओ, होश में। अंतरात्मा होश में आओ और अपने ज्ञायक में इसे ध्रुव स्वभाव का, अंतर आत्मा की ऐसी अनंत शक्ति का स्वयं बोध जगाओ चेतन, स्वयं में बोध जगाओ। उठो आत्म, बार बार समझा रहे हैं सद्गुरुवर, बार बार जगा रही है जिनवाणी माता। तुम अपने मन के अहंकार को छोड़ दो चेतन आत्मा, तुम अपने विचारों का, जो विचार चल रहा है मन में, उन असत्य झूठे विचारों का त्याग कर दो और निशंक भाव से अभेसी अर्थ के साथ अपने ही शाश्वत स्वभाव की ओर देखो चेतन आत्मा। नित्य ज्ञायक स्वभाव को देखने से, नित्य आत्म स्वभाव को देखने से ये अनित्य सारी परपर्याय भिला जाएंगी चेतन। ये परपदार्थ, ये परपदार्थों का जितना भी परिणाम दिख रहा है, ये सब क्षय हो जाएगा। सारे के सारे कर्म स्वयं ही क्षय हो जाएंगे चेतन आत्मा। निराकार चेतन में शक्ति का ध्यान तो कर, तू आनंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर चेतन। ओ चेतन आत्मा, अपने आत्म स्वभाव की रुचि लगा चेतन। जितना भी दिन भर तूने पाप परिग्रह का उपभोग किया, वो तो दुर्गति का पात्र बनाने वाला है चेतन आत्मा। उससे भिन्न उन अज्ञान भाव से भिन्न पर पर्याय संयोग भाव से भिन्न चेतन, पर परिणमन रूप सारी पर पर्यायों से भिन्न, मैं तो चैतन्य मात्र हूं, मैं तो चैतन्य मात्र हूं, मैं तो चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य आत्मा। मेरा स्वभाव मुझ में ही निवास कर रहा है, मुझ में पर का प्रवेश नहीं है, पर का प्रवेश नहीं है मुझ में। मुझ में पर की, पर पर्याय की कोई भी परिणमित होती परिणति नहीं है चेतन। मुझ में तो अपने ही प्रकाश में स्वभाव की परिणति है। सुर्ख सी अर्क चेतन, नाभि कमल पे ऐसा तेजोत्पन्न तेज में प्रकाशवंत,
जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदित हो गया चेतन, ऐसा प्रकाशवान सुर्ख सी अर्क ज्योति रूप जगमगा रहा है। आत्म ज्योति रूप चमचमा रहा चेतन आत्मा, सावधान जान आत्मा तू जान कि तू मोक्ष मार्ग का पथिक है। जानन 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 तेरा स्वभाव, जानना और देखना हे चेतन, जानना और देखना आत्मा की प्रवृत्ति है। आत्मा सहज ज्ञान और दर्शन में चैतन्य स्वभावी आत्मा, यही आत्मा का प्रकाश है चेतन। अपने अंतर में शुद्ध प्रकाश को देख, शुद्ध प्रकाश आत्मा के शुद्ध प्रकाश को देख चैतन्य आत्मा के शुद्ध प्रकाश, अपने शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप में रमन कर चेतन आत्मा, अपनी ज्ञान में शक्ति में देख। मैं तो ज्ञाता 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 ज्ञान मात्र ही तत्व, ओ चेतन आत्मा यदि रुचि अंतर की हो, हे रुचि अंतर की हो, अपने निस्वभाव की हो, तो फिर संसार में कोई भी तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता चेतन। कोई भी तेरे कर्म तुझे संसार में नहीं रोक सकते। हे चेतन आत्मा जागो, चेतन आत्मा जागो। यदि तुझे शाश्वत स्वभाव की रुचि है चैतन्य में आत्मा, ये तुझे अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि है चेतन आत्मा, तो इस जगत में कोई भी तुझे अपनी अंतर आत्मा के स्मरण से नहीं रोक सकता चेतन, अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति से नहीं रोक सकता। सारे पदगल कर्म तो बाहर संयोग में है आत्मा, पर अपना अंतर आत्मा तो अंतर में है ना चेतन, अपना ज्ञायक परमात्मा तो अंतर में है, इसका तो बहिरंग पदार्थों से कोई संबंध नहीं है चेतन आत्मा। अपना आत्मा तो अंतर में है चेतन, मन वचन काय इंद्रिय इंद्रिय विषय भोग ये सब तो बाहरी परिणाम है ना आत्मा, बाहर की व्यवस्था है, लेकिन अंतर में तो चेतन आत्मा। आत्मा की शुद्ध परिणति ही विलास कर रही है ना, अंतर में विलास अंतर में विलास करने का अधिकार तो मात्र आत्मा की प्रयोजनी आत्मशक्ति को है ना। रत्नत्रय चतुष्टय में अपना स्वभाव है ना आत्मा, अर्थ सी अर्थ स्मरण करो आत्मा। ये आत्मा रत्नात्रय में है, रत्न है इसमें तीन, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीनों रत्नों से सुशोभित है यह आत्मा।
लेकिन अपन चारों तरफ आत्मा को घूम के देखेंगे तो कहना भाई हमें तो नहीं दिख रहा है, अरे अज्ञानी प्राणी। ये रत्नत्रय आत्मा का आचरण है, आचरण ये तेरा रत्नत्रय में आचरण है, तो तू शुद्धात्म स्वभाव में आचरण कर रहा है चेतनात्मा। और यही तू इंद्रिय विषय भोगों में आचरण कर रहा है, पाप विषय कषाय में आचरण कर रहा है, तू अशुभ कर्म दे कोई भोग रहा है चेतनात्मा। हे धन अर्थ मात मेरा स्वभाव है, अर्थ मात मेरी चेतना। स्मरण रखो आत्म अपना कार्य है, अपने हृदय में जो कहा जा रहा है वो बैठ जाए, अपने अंतर में जो शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है चेतन, जाओ अनंत काल से मोह की नींद में सोए चेतन आत्मा, अब तो उठो, उठो चेतन और अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ। देखो ना आत्मा, ये पूरा अर्थ सी अर्थ एक प्रयोजन के अलावा कुछ भी सिद्ध नहीं करता, सावधान आत्मा सावधान, सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार्य चेतन। मन में ना बहना, इंद्रिय विषयों में ना बहना, अपने विंद सियर्क का ध्यान करना अर्थात निर्विकल्प स्वरूप की रमणता का भाव व्यक्त करना। भाव तो शुद्ध हो आत्मा, भाव तो शुद्ध हो, हो चेतन सरल भाव में आचरण करो, सरल आत्मा का ज्ञान सरल है, आत्मा का दर्शन भी सरल है, और ये दर्शन ज्ञान में उपयोग में परिणमित होता हुआ ये आत्मा, ये देखो 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 पूर्ण सरल स्वभावी आत्मा है, जो मूल प्राणी इसे अपने स्वभाव का विचार नहीं करता। मैं मूल प्राणी संसार में परिभ्रमण करता चेतन, मैं मूल प्राणी संसार में जन्म और मरण की पीड़ा को भोगता, ये सारा जन्म मरण का चक्र अज्ञानता के कारण से ही है चेतन आत्मा। तुम अंतरोन्मुख रुचि लगाओ अंतरोन्मुख, और इस बाहर की सारी अज्ञान भावधारा को त्याग दो चेतन, राग देश परिणामों का परित्याग करते ही जे समता शांति और आनंद में अपना ज्ञानानंद स्वभाव अनुभव में आएगा चेतन। ये सहज ही अपनी वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति जानने में आएगी,
शैतान, आत्म सूरत भी बढ़ाओ, ऐसे ही आत्मा की सूरत बार बार निहारते जाओ। जितना जितना अंतर में आत्मशक्ति को निहारोगे, जितना जितना इन प्रकाशवान परिणतियों की भावना में ओतप्रोत रहोगे, जितना जितना तुम्हें अपने अंतर आत्मा का सहकार बढ़ेगा चेतन, उतनी ही शीघ्रता से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति चेतन, मुक्ति यही है। संता सतरस और वीतराग वाणी का अभाव, ये गुरु वाणी है तो मुक्ति यही है चेतन। सावधान चेतन, मुक्ति अंतर आत्मा में है। सावधान, 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 सावधान। बिना आत्म लगन के कुछ नहीं मिलता चेतन। चलो अपनी अंतर आत्मा की लगन को बढ़ाने के लिए, अपने अंतर आत्मा के स्मरण को वृद्धिगत करने के लिए अपने ही अंतर के अभ्यास में रत रहो। आत्मा चैतन्य स्वभाव ही परमात्मा है चैतन्य, ज्ञान स्वभाव वाला तीनरी पिंड है। ऐसे आत्मा की अंतर शक्ति को अनुमोदन करने के लिए मंत्र उच्चारण करते हुए, अपने मन को एक सम्यक दिशा प्रदान करते हुए, मन को मंत्र में संलग्न कर दो आत्मा, और स्वयं जीत लो अपने जितेंद्रिय पद को, स्वयं कर लो अपने उस निराकार चेतन ज्योति की शक्ति में आत्मा का दर्शन, जिसके दर्शन मात्र से सारे अज्ञान भय कर्म कालिमा सब कट जाते, जिसके एक समय के प्रकाश में तीनों लोग झलक जाते हैं चेतन। सिर्फ अपने ही अंतर आत्मा का स्मरण और कुछ भी नहीं। चलो मंत्र उच्चारण में तन्मय हो जाओ चेतन आत्मा। ओम ओंकार में अपनी ज्योति है, ओम नमः, ऐसी ज्योति को नमस्कार करो। वन हृदय में, हृदय कमल में इसका परमात्म पद का अनुभव प्रकट करो चेतन। ओम नमः, ओम नमः उवन सिद्ध, अपने ऐसे सिद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वभाव को प्रकट करो, सिद्ध स्वभाव के अनुभव में लीन रहो। नमो नमः, इसी को अभिवादन करो चेतन, इसी में डूब जा। अन्य कोई विकल्प ही मत करो, शाश्वत सिद्ध स्वभाव निर्विकल्प अनुभूति में, पंच परमेष्टि में शुद्ध आत्मज्योति, जैसा प्रकाश सर्वज्ञ परमात्मा के सर्वांग प्रदेशों में अंतर आत्मज्योति का हो रहा है, वैसा ही प्रकाश अपने घट में भी है चेतन। रुचि लगाओ चेतन, रुचि लगाओ अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की, रुचि लगाओ। चेतन लगाओ अपने अंतरात्मा की रुचि, और मंत्र उच्चारण को आत्म लक्ष्य पूर्वक ही उच्चारित करो चेतन। अंतरोन्मुख होने के लक्ष्य से उच्चारण करो। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः, ओम नमः वंशिद्ध नमो
नमो